हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बताने जा रही हूँ जो हमारे फेस पे बहुत ही जिद्दी पिगमेंटेशन हो जाता है, झाइयाँ हो जाती हैं, दाग धब्बे, कहीं कहीं पे हमारे ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं स्किन पे, फिर वो धीरे धीरे करके ब्राउन भी होते हैं, फिर ब्लैक होते हैं और डिस्कलरेशन स्किन में हो जाता है। कहीं से एकदम ब्राइट सी लगती है हमारी स्किन और कहीं से एकदम डार्क पैचेस से लगते हैं। तो ये सारी समस्याओं का एक बहुत ही बढ़िया समाधान बताने जा रही हूँ। बहुत ही इजी रेमेडी है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फटाफट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले इसके तो एक तो सिंपल स्टेप्स बताऊंगी, वन बाय वन करके वो सब चीजें हम अप्लाई करेंगे तो उससे फिर ये बहुत ही बढ़िया 101% रिजल्ट मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगी। बहुत आसान है लेकिन इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये हमदर्द का रोगन बादाम शीरी एलमंड ऑयल है, हम ये लेंगे। मेरे हिसाब से ये वाला एलमंड ऑयल मुझे सबसे अच्छा लगता है फेस पे लगाने के लिए और वाकई ही ये बहुत ही अच्छा काम करता है हमारी रेमेडीज में, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को सही करने में, ठीक है। तो ये हमदर्द का रोगन बादाम शीरी ऑयल लिया है मैंने। इससे हम अपने फेस पे जहाँ पर भी हमें मेनली पिगमेंटेशन लग रहा है वहाँ पर इस तरह से करके हम इसको अप्लाई करेंगे। मेनली हमारा पिगमेंटेशन जहां मैंने भी अप्लाई किया ना, मेनली यहीं पर ही होता है, लिप्स के आसपास में जैसे होता है डार्कनेस होती है ना। अभी ये लिपस्टिक बिंदी बिंदी ना भी हटा दूंगी मैं। जहां पर भी हमें पिगमेंटेशन लग रहा है हमें सबसे पहले पूरे फेस पे, नहीं कि पूरा लिया और पूरे फेस पे, ना जहां पर पिगमेंटेशन लग रहा है उसी जगह पे पर्टिकुलरली हम इसको अप्लाई करेंगे। और फिर मैं इस वाले फिंगर से कर रही हूँ, रिंग फिंगर जो होती है ना हमारी, इससे मसाज करनी है हमको क्योंकि हमारी आईज के नीचे ना बहुत सॉफ्ट होती है स्किन, तो हमें फेस पे सिर्फ इसी से ही प्रेशर देना है हमें, यानी सारी उंगलियां या हथेली से नहीं, सिर्फ इसी से ही। जहां भी हमें पिगमेंटेशन लग रहा है और इसी डायरेक्शन में हमें करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, सेम इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हमें करना है। इन सबके पीछे ना लॉजिक है जो हम एक ही उसमें करना है हमें, सेम इसे नोज पे तो हम दोनों तरफ कर सकते हैं क्योंकि पता है इससे एक ही तरफ करने से क्या होगा, जो अब हमारे फेस पे रिंकल्स वगैरह हैं वो हमारे सही होंगे, स्किन हमारी टाइटनिंग होगी और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा क्योंकि अक्सर हमारी बॉडी के अंदर जो मिलानोसाइट सेल्स होते हैं वो मिलानिन पिगमेंट को रिलीज करते हैं और कहीं कहीं पे वो सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से दाग धब्बे झाइयां हमारे फेस पे आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको इस तरीके से करके करेंगे ताकि वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन करके इम्प्रूव करे। सेम ऐसी माथे पे करेंगे हम। ये करने के बाद में अब हम इसको इसी तरह से लगा रहने देंगे। लगा रहने देंगे उसके बाद हम जो सेकंड स्टेप करेंगे वो हम लेंगे ये एलोवेरा जेल। ये हम मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल है ना वही यूज करेंगे, वो नहीं है हमारे पास में तो हम घर का भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें जो मार्केट वाला जेल है ना वो ज्यादा सही रहेगा। तो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने इसकी ले ली है, मैं तो बहुत ही कम लिया है लेकिन आप थोड़ी सी ज्यादा ले लेना। ठीक है, जहां जहां पर भी फिर हमें लग रहा है पिगमेंटेशन है हमारा, सेम इसको भी बादाम ऑयल की तरह उसी जगह पे मतलब स्पॉट ट्रीटमेंट करना है हमें इसका। और ये ना 7 डेज का चैलेंज है, 7 दिन के अंदर पक्का आपके फेस पे जो झाइयां हैं पहले फोटो खींच के रख लेना और 7 दिन बाद में फोटो खींच के रखना, 7 डेज चैलेंज है। 7 दिन में आपकी झाइयां 101% अगर बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर की हैं तो वो लाइट ब्राउन कलर की तो हो जाएंगे, और लाइट ब्राउन कलर की हैं तो वो हल्की हल्की सी मतलब हट जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अगर पहले से बहुत हल्की है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारी झाइयों को, बहुत ज्यादा वो नहीं है, अगर फिर भी नहीं ठीक हो रही थी, इसका मतलब आपकी बॉडी में ज्यादातर ना डिलीवरी के बाद में प्रेगनेंसी के टाइम पे झाइयां पड़ जाती हैं, फिर हम उस टाइम इतना ध्यान नहीं करते क्योंकि उस टाइम हमें बेबी का भी ध्यान करना होता है, तो फिर वो हमारे रह जाती हैं। तो उस टाइम में डॉक्टर की एडवाइस से आप कैल्शियम और आयरन अपना प्रॉपर लो बॉडी के अंदर, और जो जैसे वो घर में भी बनाते हैं ना गोंद वगैरह का और कमरकस वगैरह का जो बनाते हैं वो सब भी खाते रहो, उससे भी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन जाएगा। कैल्शियम होता है, तिल विल होता है, सफेद तिल,
पूरा कैल्शियम जाएगा ना बॉडी में, तो फिर ये झाइयों वाइयों वाला होगा ही नहीं, अंदर से ही हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो ये एलोवेरा वाला हमने अप्लाई कर लिया। अब हमारी रेमेडी आएगी, इस सबको ऐसे लगा रहने देना, कॉटन वॉटन से उससे किसी से साफ नहीं करना अभी। फिर ये सब हो गया, उसके बाद हम लेंगे ये दही। ये मैंने एक ही चम्मच दही लिया है, ठीक है, इतने फेस पे इतना ही दही चलता है, बहुत ज्यादा तो लगता भी नहीं है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये लिक्रिश पाउडर। लिक्रिश पाउडर मुलेठी पाउडर होता है ना, जो बहुत ही बढ़िया है हमारे, इसमें डाल देती हूँ मैं। हाँ, मुलेठी पाउडर ना, जैसे गला वाला खराब होता है ना आजकल, अपने काड़े वाड़े में भी मुलेठी आती है ऐसी, और ये इसका पाउडर है, क्योंकि फेस पे तो हम पाउडर की तरह इसको अप्लाई करेंगे। तो मुलेठी पाउडर को हम इसमें दही में मिक्स करके ये मिक्स हो गया। अब इससे हम अपने फेस पे इसकी मसाज करेंगे। अगर हमारे पास में ये लिक्रिश पाउडर जो मुलेठी पाउडर नहीं है, तो इसकी जगह ऑरेंज पील पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ऑरेंज पील पाउडर भी नहीं है तो लाल मसूर की दाल जो है उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी वो है ऑयली स्किन, बहुत ज्यादा ऑयली है, पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा स्किन पे होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं। पर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ही आपस में बहुत ही बढ़िया है, ये दोनों ही बहुत अच्छे काम करेंगे। बिल्कुल भी कभी टाइम नहीं है ना, तो नहाने जब घुसो ना बाथरूम में, तभी ये थोड़ा सा मिक्सचर बना लिए इस तरह से करके, और ये फेस पे करके इसकी मसाज करते रहे। इसको उतार लो, मैं रिंग विंग को रिंग रिंग। ठीक है, इसको भी सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, जहां पर पहले पिगमेंटेशन है वहां पर पहले करेंगे। अगर वो है ऑयली स्किन है तब तो मुल्तानी मिट्टी बहुत सही रहेगा, लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। पर क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बादाम ऑयल भी यूज कर लिया था, तो वो भी बहुत ही बढ़िया है, तो इसलिए हमें कोकोनट ऑयल की कुछ भी कितनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि नहीं हमारी तो सुपर ड्राई है, विंटर्स में बहुत ज्यादा ड्राईनेस ही रहती है, तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कम 10 मिनट लेके हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मसाज करनी है। ठीक है, 10 मिनट मसाज करने के बाद में फिर हम इसे 10 मिनट्स के लिए इस तरह से बेड पे लेट जाएंगे फेस ऊपर करके, और 10 मिनट तक इसको इसी तरह से हम लगा रहने देंगे। फिर ये क्या होगा, हल्का हल्का सा सूखने लगेगा। जब ये हल्का सा सूख जाएगा ना, क्योंकि इसमें हमने जो लिक्रिश पाउडर डाला है ना, वो जब हम रेस्ट देंगे ना अपनी स्किन को, उस टाइम पे वो काम करेगा वो। तो जब ये सूख जाएगा फिर हम हल्का सा गुनगुना सा पानी लेंगे और फिर उससे अपने स्किन पे हम वॉश कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से फेशियल स्टेप्स भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हैं, तो 10 मिनट तक पूरे हम अपने फेशियल स्टेप्स ही मसाज करते हुए इसको कर लेंगे। अभी मैं हल्का सा कॉटन से इसको करके दिखाती हूँ, फिर बाद में मैं वीडियो खत्म होने के बाद फिर मैं जाके वॉश करूंगी। अभी लाइव रिजल्ट्स दिखा देती हूँ मैं सामने ही। जैसे भी दिखाऊं, लाइव एकदम, ये तो क्लियर हो गई एकदम स्किन, नहीं तो फिर पहले ही क्लियर थी, अभी का क्लियर हुई है। पर अगर जहां पर मतलब बहुत जिद्दी वाली है ना झाइयां वाइयां, तो वहां पर बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा। मैं तो इसको इन सब चीजों पर लगाती करती रहती ना, तो मेरे भी यहाँ पर ये जो जगह थी ना बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हो गया था ये, पर ये सब चीजें कर करके ना देखो बहुत हल्का सा है, बहुत हल्का सा। और ये भी क्योंकि मैं अभी विंटर्स की वजह से ना बहुत दिन से मैंने कुछ भी लगाया नहीं था, पर अब मैं आपके साथ में रेगुलर रेमेडीज शेयर करूंगी ना, तो फिर आपके बहाने से मेरी भी ठीक हो जाएगी और आपकी तो ठीक हो ही जाएगी। तो बहुत अपनी डाइट का भी ध्यान रखना, ठीक है, ये सब लगाने के साथ साथ में बॉडी के अंदर से भी हमारी अच्छी हीलिंग हो, इसके लिए पानी वानी पीना, काढ़ा वाड़ा पीना, और काढ़ा जो बनाते हैं तो उसमें लिकरिश पाउडर को, मुलेठी पाउडर को छोटा सा मतलब आधा चम्मच उसको ऐड करना, तो वो अंदर से हील करेगी हमारी बॉडी।
तो उससे फिर इंटरनली ग्लो आएगा हमारी स्किन के ऊपर। हम जो भी खाते हैं ना वो सब क्या कहते हैं हमारी स्किन बता देती है कि आज हमारी डाइट कैसी थी। अगर बहुत ज़्यादा हमारी बहुत बॉइल्ड वाली डाइट होती है, पानी वानी होता है, हेल्दी डाइट होती है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो हमारी स्किन जो है इंटरनली ग्लो करती है। सेम अगर हमने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया हुआ है, समोसे कचौड़ी पचौड़ी और गोलगप्पे वगैरह इस तरह से स्पाइसी फूड खा रखा है ना, तो उससे जो हमारी स्किन का जो एक ग्लो है ना वो हल्का सा कम पड़ जाता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि सब चीज़ें भी तो हमें खानी है और गोलगप्पे तो वैसे भी हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मजा आता है ना चटपटा खाने में, मैं अभी कुछ भी नहीं खा सकती, बहुत ज्यादा खट्टा पट्टा सा ना, तो इसलिए पर है कि मजा आता है। तो वो भी हम थोड़े थोड़े इंटरवल पर डेली ना खा के, या जैसे चीट डे हमें करना होता है हफ्ते 10 दिन में, तो वो भी हम खा सकते हैं तो इस तरह से करके। तो अभी मैंने हल्का हल्का सा इसको साफ कर लिया और मुझे खुद इतना अच्छा सा लग रहा है, अभी फेस वॉश करूंगी ना तो और ज्यादा रिफ्रेशिंग सा लगेगा मुझे। मैं आप जरूर जरूर इसको ट्राई करना, ये बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।